दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आ गया हूँ इस गेमिंग न्यूज के एपिसोड नंबर 71 में, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं इस एपिसोड को। लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहली न्यूज आ रही है सोनी की तरफ से प्लेस्टेशन 5 के दीवानों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए जो बहुत वेट कर रहे हैं कि कब अनाउंस होगा प्लेस्टेशन 5। तो उसकी अनाउंसमेंट धीरे धीरे पास आती जा रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और परसों सोनी ने एक पेटेंट फाइल किया है एक नए अपकमिंग कंट्रोलर के लिए, जिसके ऊपर आपको एम्बेडेड टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, यानी कि एक फुल फ्लेज्ड स्मार्टफोन जैसी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी कंट्रोलर के ऊपर। और इट्स हाईली अनलाइकली कि ये कंट्रोलर प्लेस्टेशन 4 के लिए बनने जा रहा है, ये ऑब्वियसली नेक्स्ट जेन कंसोल के लिए ही होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा आइडिया है एक टच स्क्रीन एम्बेड करनी है प्लेस्टेशन के कंट्रोलर के ऊपर। आप समझ जाइए अब साइज़ कितना होगा, किस क्वालिटी की स्क्रीन होगी, LCD होगी, LED होगी, OLED होगी, ये किसी को नहीं पता। बट यहाँ पे जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि साइज़ जो है वो छोटे से छोटा होगा, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन एंड में मैटर करेगी कि आपके कंट्रोलर की बैटरी लाइफ को एनहांस किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी कंट्रोलर की स्क्रीन पे तो गेम खेलने वाले हो नहीं, उसका पर्पस कुछ और होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या और लीक सामने आती हैं। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये प्लेस्टेशन 5 के लिए ही पेटेंट जो है फाइल किया गया है, और अगर अब जाके पेटेंट फाइल किया है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप मान लीजिए सोनी जितनी बड़ी कंपनी को 1 से 2 साल तो आराम से लग सकते हैं। तो अगर आप 2 साल उसके मान लीजिए, साथ में उसकी मास प्रोडक्शन और फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट, फिर उसका लॉन्च, तो 2021 के एंड तक प्लेस्टेशन 5 हमें देखने को मिल सकता है। दैट इज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जितना कम लग सकता है एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इतने बड़े प्रोजेक्ट पे। तो देखते हैं कब लॉन्च होती है प्लेस्टेशन 5 और उसका ये नया कंट्रोलर। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हिडियो कोजिमा प्रोडक्शंस की तरफ से, यहाँ पे नई न्यूज़ सामने आ गई है डेथ स्ट्रैंडिंग के अवेटर्स के लिए, आप लोगों के लिए और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत वेट कर रहा हूँ इस गेम का। और यहाँ पे नई चीज़ ये सामने आई है गाइस कि जो डेथ स्ट्रैंडिंग है वो फाइनल फिनिशिंग पॉलिशिंग स्टेज में चली गई है, यानी कि गेम की डिवेलपमेंट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, अब उसके टेक्स्चर्स और डिटेल्स और कलरिंग पर काम चल रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है प्लेस्टेशन के हिसाब से, क्योंकि एक्सक्लूसिव गेम है प्लेस्टेशन 4 के लिए। तो देखते हैं कब तक वो कंप्लीट होती है, एंड आई डाउट कि ये एक प्लेस्टेशन 4 एक्सक्लूसिव रहेगी, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और कंसोल पे आएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक अपस्केल या फिर आप कह सकते हैं हाईली डिटेल्ड ग्राफिकल वर्जन प्लेस्टेशन 5 पे भी देखने को मिलेगा, जो हमेशा से होता आ रहा है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 भी आपको रीमास्टर देखने को मिली प्लेस्टेशन 4 पे। तो इसी तरह जो एंड ऑफ द लाइफ साइकिल गेम होती हैं गाइस हिडियो कोजिमा प्रोडक्शंस की, तो स्पेशली मेटल गियर सॉलिड जैसी गेम्स, वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वर्जन में तो ज़रूर ट्रांजिशन होंगी एक हायर डिटेल के साथ। तो हो सकता है उसी के लिए भी काम चल रहा हो, बाकी प्लेस्टेशन 4 का वर्जन कम्प्लीटेड हो, बट अब बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी इसकी रिलीज डेट, और मोस्ट प्रॉब्ली वो 2019 के फॉल में या फिर अर्ली 2020 में होगी। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक्सबॉक्स वन यूजर्स के लिए, क्रैकडाउन 3 की फाइनली रिलीज डेट सामने आ चुकी है, फरवरी 15, 2019 को रिलीज़ हो जाएगी क्रैकडाउन 3। तो क्रैकडाउन अगर आपको सीरीज़ पसंद है, ओपन वर्ल्ड सीरीज़ है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो क्रैकडाउन 3 के लिए भी रेडी हो जाओ। और दोस्तों, फाइनली परसों लॉन्च होने जा रही है मोस्ट अवेटेड फॉलआउट सीरीज़ की गेम इस साल की, फॉलआउट 76। ऑब्वियसली बहुत लोग अवेट कर रहे हैं क्योंकि मैसिव ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होने जा रही है फॉलआउट 76, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मल्टीप्लेयर आर्किटेक्चर। अब देखते हैं कि फाइनली किस तरह का डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे गेम प्लेस वगैरह भी सामने आ चुके हैं, तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे एक मेजर चीज़ ये है कि फॉलआउट 76 अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट डे पैच के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका मैसिव साइज होने वाला है और वो है 54 GB। जी हाँ गाइस, 54 GB का फर्स्ट डे पैच होने वाला है, और हमें इतना बड़ा पैच देखने को मिला था कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 में, जिसका 50 GB के आसपास का पैच था, और उसके 2 दिन बाद ही एक नया पैच भी आ गया था 10 GB का। तो मुझे नहीं लगता कि फॉलआउट 76 54 GB के पैच पर रुकने वाले, क्योंकि एक ऑनलाइन मैसिव मल्टीप्लेयर गेम है, बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे और वो बग्स रेगुलरली फिक्स भी होंगे, और जब वो फिक्स होंगे तो नए पैच आएंगे, और जब नए पैच आएंगे तो गेम साइज़ बढ़ेगा,
तो अपनी हार्ड डिस्क दोबारा से खाली करनी शुरू कर दो अगर रेड डेड रिडेम्पशन 2 कंप्लीट कर ली है और अगर आप फॉलआउट 76 खेलना चाहते हो तो। दोस्तों अब उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सबको इंतज़ार है कि पबजी कब आ रही है भाई प्लेस्टेशन 4 पे। और इस न्यूज़ को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग ऑनलाइन जो है देख रहे हैं कि प्लेस्टेशन 4 के लिए फाइनली रिलीज़ कब हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे पबजी वालों को काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है और वो चाहते भी यही हैं। और यहाँ पे एक नया लीक सामने आया है ट्विटर अकाउंट पे जिसका नाम है Wario64 और इस बंदे की जो लीक्स हैं पास में काफ़ी रिलायबल रही हैं और इसने दिखाया है कि Amazon पे थोड़े टाइम के लिए पबजी का PlayStation 4 वर्जन जो है वो लिस्ट हो गया था और रिलीज डेट जो दिखाई गई थी उसमें दिखाई गई थी December 8। तो December 8 तो आ गई भाई, मतलब एक महीने से भी कम रह गया है। तो देखते हैं कि क्या हमें पबजी वाले सरप्राइज करते हैं यहाँ पे या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी December 8 को पबजी रिलीज़ हो जाएगी PlayStation 4 पे और इतनी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, कोई ऑफिशियली कुछ बताया भी नहीं गया। लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि जब Fortnite Android पे आ सकती है और इतने मैसिव स्केल पे आ सकती है तो पबजी भी आ सकती है PlayStation 4 पे। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ होगी कि एकदम से ऐसे अनाउंस करना, बट यहाँ पे मेन चीज़ देखने वाली ये होगी कि क्या Fortnite की तरह पबजी PlayStation 4 पे विदाउट PlayStation Plus मेंबरशिप के काम करेगी या नहीं, क्योंकि Fortnite के लिए तो नहीं चाहिए लेकिन पबजी के लिए देखते हैं कि PlayStation Plus मेंबरशिप चाहिए या नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और दोस्तों फाइनल न्यूज़ आ रही है Red Dead Redemption 2 ओनर्स के लिए, ऑनलाइन का सभी को वेट है, मेरे को भी स्टोरी मोड मैंने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मज़ेदार था स्टोरी मोड। और अब वेट है सबको कि मल्टीप्लेयर कब आएगा, मल्टीप्लेयर में क्या होगा, मल्टीप्लेयर किस तरह से फंक्शन करेगा, क्या GTA 5 से अच्छा होगा बुरा होगा, सब इसी का वेट कर रहे हैं। और मिड नवंबर या फिर एंड ऑफ द नवंबर के आसपास हमें देखने को मिल जाना चाहिए बेटा वर्जन। रॉकस्टार पूरे जोरों शोरों से काम कर रहा है इस समय, क्योंकि हमें कोई पैच भी देखने को नहीं मिला है अभी तक। जो बग्स थे, जो आप कह सकते हो ग्लिचेस थी, जैसे कि गोल्ड वाली या फिर इस तरह की जो मनी ग्लिचेस थी या हॉर्स ग्लिचेस हैं, वो अभी तक फिक्स नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि रॉकस्टार की टीम इस समय पूरी तरह से डेडिकेटेड है मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट के ऊपर, और बाकी के फिक्सेस वगैरह वो बाद में भी पैच रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि गेम फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि अनप्लेएबल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गेम को खेल सकते हो, ख़त्म कर सकते हो और मल्टीप्लेयर को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आई होप November 15th के आसपास हमें कोई ना कोई इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट देखने को ज़रूर मिलेंगी रॉकस्टार गेम्स की तरफ से। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि अगर मैंने कोई यू नो मेजर न्यूज़ मिस कर दी हो जो आपको पता है और मुझे नहीं पता, यू नो द ड्रिल। एंड साथ ही में सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।